सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस लाइन में अगर सबका प्रचार सबका विज्ञापन ये भी जोड़ दिया जाए तो बेहतर नहीं होगा दोस्तों? ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार या यूं कह लीजिए कि दिखावे में सरकार कीर्तिमान गढ़ रही है, उसके बाद ये लाइन तो ऐड कर ही देनी चाहिए ना, बेशक कर देनी चाहिए, पता चल जाएगा सबको। हिमंत बिस्व शर्मा को जब से असम का मुख्यमंत्री बनाया गया 2021 में, ये साहब एक के बाद एक फैसला लेते हुए सरकारी खजाने का पैसा गुल कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रही, आलम यह है कि अपनी ही पिछली सरकार का रिकॉर्ड इन साहब ने तोड़ दिया। पिछले हफ्ते हुई एक कैबिनेट की बैठक में इससे पहले तमाम बैठकों का जो ब्यौरा है वो एक ब्रोशर में सामने आया है। दोस्तों ये जो ब्रोशर है सामने जो आया है, इसमें ये पता चला है कि वित्त विभाग द्वारा विज्ञापन पर खर्च की जो लिमिट दी जाती है, एक सीमा होती है, उसमें सूचना और जनसंपर्क विभाग को छूट दी गई कि आप इससे क्रॉस भी अपना कर सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसलिए शायद इन साहब ने 2 साल में अपनी पिछली सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस ब्रोशर में और क्या क्या सामने आया है न्यूज लॉन्ड्री ने और क्या क्या छापा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। असम में पिछली भाजपा की सरकार जो कि सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चली, उस सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 125.60 करोड़ रुपए खर्च किए विज्ञापन पर, जबकि हिमंत बिस्व शर्मा ने 2021 में जब इन साहब ने कार्यभार संभाला तब से लेकर अब तक यानी 2 साल के भीतर विज्ञापनों पर 130.59 करोड़ रुपए खर्च किए। बेशक ये खबर इसी साल मार्च की है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी वो तो नहीं पता चल पाया था, अब वो वजह सामने आ गई है। ये बात राज्य की 100वीं कैबिनेट बैठक को चिन्हित करने के लिए पिछले हफ्ते जो शर्मा कैबिनेट के फैसलों का विवरण देने का वाला एक ब्रोशर जो सामने आया है दोस्तों, उस ब्रोशर में ये बात पता चली है। क्या है बात वो समझ लीजिए। मई 2021 में शर्मा के सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ हफ्तों बाद सूचना और जनसंपर्क विभाग को वित्त विभाग सीमा से छूट दी गई थी। 2021 में जब सत्ता में आए हिमंत बिस्व शर्मा, सरकार ने क्या किया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी विज्ञापनों के लिए मौद्रिक सीमा हटा दी थी। मौद्रिक सीमा हटाने का मतलब दोस्तों, एक सीमा होती है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, वो सीमा हटा दी गई। 2016 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, तब से लेकर अब तक विज्ञापनों पर 256.19 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। अब बताइए कि आखिर विज्ञापन पर खर्च करने के लिए इनको वित्त विभाग से छूट क्यों दी गई है? क्या इस बात का ब्यौरा मांगा केंद्र सरकार ने? मौद्रिक सीमा को 2021 में क्यों हटाया गया? आखिर वो पैसा किसका था जो इतना खर्च हुआ विज्ञापनों पर प्रचार प्रसार पर? लगभग 130 करोड़ से ज्यादा रुपया विज्ञापन पर प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। हालांकि केंद्र भी इससे कोई अछूता तो नहीं रहा है दोस्तों, तो केंद्र भी खबर क्यों ही लेना चाहेगा। पिछले साल दिसंबर की खबर है, सरकार ने बताया था कि पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के विज्ञापन पर केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी CBC के जरिए 3,723.38 करोड़ रुपए खर्च किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने बाकायदा राज्यसभा में जानकारी दी थी। ये खर्चा तब था जब सरकार ये कह रही थी कि उसने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, पिछले साल के मुकाबले कम खर्चा हुआ है। अब बताइए कि देश जो है उसको तो आप गर्त में लेकर जा रहे हैं, देश में तमाम योजनाओं में आपके घोटाले नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी जो पार्टी की राज्य सरकार है, हिमंत बिस्व शर्मा साहब जो कि आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उनकी सरकार में खुलेआम पैसा खर्च हुआ है विज्ञापनों पर। आखिर उस विज्ञापन पर किस किस को कितना पैसा दिया गया, कम से कम उसका ब्यौरा भी सामने आ ही जाना चाहिए, नहीं दोस्तों? किस चैनल को कितना मिला, किस चैनल को कितना नहीं मिला, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री की ये जो रिपोर्ट है, ये जो आर्टिकल है जो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आखिर राज्य की जो आर्थिक हालत है उसमें कितना सुधार किया गया, और अगर सुधार नहीं हुआ है
तो फिर विज्ञापनों पर इतना खर्च कैसे कर दिया गया? इसकी मंजूरी आपको कैसे दी गई, कैसे आपने मंजूरी दे दी? आप पिछली सरकार के मुकाबले कम खर्चा करेंगे या ज़्यादा खर्चा करेंगे? आपने तो अपनी सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही कारण है दोस्तों कि इस वक्त हिमंत बिस्व शर्मा जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार में वो नया कीर्तिमान गढ़ चुके हैं, अपने पिछले मुख्यमंत्री से बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको भी उन्होंने पीछे पछाड़ दिया है और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। अब बताइए कि ये पैसा किसका हो सकता है, किसका हो सकता है ये पैसा? बेशक जनता का ही पैसा होगा ना, लेकिन विज्ञापनों पर खर्च किया गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।